हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की बुलेट के बारे में वीडियो होने वाली है। एक्चुअली बात मैं करना चाहूँगा कि जस्ट क्रोम करवाने के 4 या 5 दिन के बाद मेरी बुलेट बाइक की शाइनिंग चली गई अचानक से। क्या हुआ कि मैंने इसको एक तो बारिश में चला दिया, जस्ट रबिंग हुई थी इसके, हुए 3 दिन ही हुए थे और जस्ट आफ्टर उसके मैं बारिश में ले गया और फिर एक दिन बाद जो कीचड़ वगैरह लगा था मैंने इसको धो दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी शाइनिंग जो थी वो कब चली गई है और लगभग ये जो निशान है स्पॉट्स आपको दिख रहे होंगे पानी के जगह। तो कोई भी बुलेट वाला है जो अपना समझदार बंदा देख रहा होगा वो समझ जाएगा। तो किसी ने मेरे को इसका सॉल्यूशन बताया है कि ये पॉलिश लेके आए कैस्ट्रोल शाइनर स्पॉन्ज। तो उससे पहले क्या होता है कि इसके ऊपर कपड़ा लगाना होता है अच्छे से। मैंने बुलेट के ऊपर कपड़ा लगा दिया है लगभग जितना मेरे से हो सका था, पर फिर भी इस पर स्पॉट काफ़ी रह गए हैं। तो मैं उसको दूर करने के लिए एक बार फिर से कपड़ा लगाऊंगा और फिर हम लगाएंगे इस पर शाइनर स्पॉन्ज कैस्ट्रोल और फिर उसका देखते हैं कि रिजल्ट कैसा रहेगा इसके बाद। यहाँ पे टैंक पे भी कुछ ये मतलब बोतल थी पानी की गुड़िया की, तो उसके यहाँ पर लगा स्टिकर। तो ये भी ध्यान रखना कुछ स्टिकर्स या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आप अगर आप टैंक में रखते हैं तो यहाँ पे चिपक जाता है। ये लेमिनेशन के ऊपर ही जो है PZZ के ऊपर ही चिपक गई, तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहेगा। मैं आपको इसकी फ़ोटो भी शेयर करता हूँ कि कितनी अच्छी लुक इसकी बन गई थी दोनों टीमों तरफ से और अब इसका हाल कैसा हो जाएगा। यहाँ पर भी इसके बिल्कुल ईजीली कैच कर सकती है आइस की स्पॉट्स हो गए हैं। मैंने इस पर एक बार हालांकि कपड़ा लगा चुका हूँ और फिर भी चले हम स्टार्ट करते हैं इस पर पॉलिश करना। चलिए तो हम इसको खोलते हैं। इसके अंदर सिंपली एक स्पॉन्ज होता है, ये पॉलिश से पूरा मतलब इसके अंदर होता है। आज मौसम भी बादल फिर गड़गड़ा रहे हैं, मैं इसको आज ही पॉलिश करूँगा और फिर बारिश में चलानी होगी और फिर वो स्पॉट आ जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले इससे सबसे पहले शुरू करते हैं टैंक से, क्योंकि टैंक हमारा मेन पार्ट रहता है। उसके बाद हम देखते हैं इंजन और फिर इसके जो अपने अलॉय व्हील हो गए, यहाँ से हैंडल स्टेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से धीरे धीरे रब करते हैं इसको ऐसे बिल्कुल हल्का हल्का। इधर से दिखाओ आप, बिल्कुल नजदीक से दिखाओ कैमरामैन। पॉलिश होने के बाद इसकी चमक वापस लेके आएंगे अपन। थोड़ा थोड़ा हल्के स्पॉट रह जाएंगे पर फिर भी काफी ऐसी दूर हो जाएगी कि यहाँ पे कर दिया ये यहाँ पे ले जा बेटू। नीचे नहीं गिरा मैंने, इस पर धूल मिट्टी हो जाएगी। टैंक अपना सबसे फेवरेट पार्ट होता है, टैंक पे मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि टैंक पे करूं। जहाँ काफ़ी स्पॉट हो गए हैं ऐसे। अब मैं इंजन के ऊपर आता हूं, इसके यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से क्लोज अप करना, देखना अब स्पॉट यहां से ना, देखो धीरे धीरे यहाँ से स्पॉट थे कितने आप देख सकते हो कैमरे में, तो पहले दिखा वीडियो में काफ़ी ज़्यादा स्पॉट थे। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखा ये स्पॉट आपको दिख रहे होंगे धीरे धीरे, थोड़ा पानी के जो स्पॉट होते हैं हल्के हल्के नज़र आ रहे होंगे। अब ये धीरे धीरे पॉलिश से ठीक हो जाएंगे। धीरे 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 ये देखिए बिल्कुल मैजिक वाला काम करती है ये पॉलिश, लास्ट फिनिशिंग जो है आपकी बाइक की ये एकदम चमका देगी। एक बार ये लगने के बाद एक दिन रुकना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन रुक के फिर इस पर हल्का सा कपड़ा लगा लेना हो सके तो, बिल्कुल मामूली कपड़ा लगाना है आपको ताकि इसकी शाइनिंग हो जाए। देखो इसमें मतलब पॉलिश इतनी है कि हाथ पे भी आ जाती है। कैमरा ऊपर यहाँ पे दिखेगा कैसे,
नो नो, ये पॉलिश के अपने स्पॉन्ज आती है। क्या कर रहे हो डैडी, क्या कर रहे हो डैडी? सिक्किल लगा रहे हो? सिक्किल लगा रहे डैडी। ये देखो यहाँ से सारे एक 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 जो स्पॉट दिख रहे थे वो सब गायब हो गए। देखो यहाँ, कम हियर, इधर ले जाओ। कैमरा मैन यहाँ फोकस करो, आ जाओ इधर। पसीने पसीने हो गया ना यहाँ पे। ये देखो प्लास्टिक पे तो बिल्कुल जैसे अपना कार के डैश के उस पर लगाते हैं, बिल्कुल फुल शाइनिंग हो जाती है। तो पॉलिश के बाद कुछ ऐसी चमक हो जाएगी बिल्कुल, यहाँ से देखें मतलब कि 90% स्टेन यहाँ से रिमूव हो गए। बाकी थोड़ा सा कपड़ा लगेगा इसके बाद कल को, या आफ्टर 2 या 3 आवर आप इस पर लगा सकते हैं कपड़ा। बूंदे आ गई हल्की हल्की, इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से। देखिए यहाँ पे भी बहुत मतलब कि काफ़ी स्टेन आ गए थे। तो ये गलतियाँ आप कभी मत करना ऐसा कि सोचो कि खूब ज़्यादा और चमक आ जाए, फलाना कर लूँ, डुमका कर लूँ। तो रबिंग करवाने के बाद जस्ट आप इसको छोड़ दो, लगभग महीने तक कोई वॉशिंग मशीन वगैरह में नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तेरी है।